हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फिर से मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए, अभी शाम के टाइम हो गई है और मैं बना रही हूँ खाना, और आज अच्छा अच्छा खाना बनने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, और ये आज मेरा बेटा का बर्थडे है, अंकुश का बर्थडे है, तो उसके पसंद की आज सब्जी बन रही है। अंकुश को बहुत पसंद है मटर पनीर की सब्जी, उसे कोई भी सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मटर पनीर की सब्जी उसे बहुत पसंद है। तो आज जितना भी चीज़ हम बनाएंगे सब अंकुश के पसंद का ही बनाएंगे, उसका कोई फरमाइश नहीं है। बस इतना ही फरमाइश है कि बस मटर पनीर का सब्जी और मटर पनीर पनीर का पुलाव होना ही चाहिए उसे, बस दो ही चीज़ उसे पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ अंकुश के पसंद का खाना, मटर पनीर बना रही हूँ और मटर पुलाव बनाऊँगी, जो कि अंकुश को बहुत पसंद है। तो आज मेरा बेटा का बर्थडे है, तो सुबह से मैं कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी, शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वो भी क्यों कर रही हूँ, शुरू से ही हमें करना था जब मैं खाना बना रही थी, लेकिन नहीं, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी हूँ कि अब मैं कोई सा ब्लॉग वीडियो नहीं बनाऊँगी, आप लोग नहीं देखते हो, तो इसीलिए मैं सोची थी नहीं शेयर करेंगे, लेकिन यादगार के लिए मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो, कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो देखेंगे यूट्यूब में अपना बर्थडे का वीडियो। इसीलिए मैं सोची चलो कोई बात नहीं है, कर देती हूँ यूट्यूब पे शेयर भी। और तो यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ किचन में काम, और जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, उसके बाद केक वेक कटिंग होगी। तो बच्चे आज बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका आज बर्थडे है, तो बहुत खुश है, तो बच्चे खुश रहे, बस इसी में मेरी है कि मेरे बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बेटी सब मिले हैं, बैलून यहाँ पे सजा रहे हैं, थोड़ी सी डेकोरेट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किए थे, बस सिंपल सा ही हम लोग किए थे घर में ही, और साधारण तरीके से हम मनाए थे कि हमारे बच्चे बस खुश रहे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी केक लेके आ गए थे, और टाइम भी हो गई थी ज़्यादा, तो यहाँ पे केक निकाल रहे हैं, केक को रख देंगे और उसके बाद केक कटिंग होगी। तो अंकुश भी तैयार अभी होने के लिए गए थे, और मैं भी गई थी तैयार होने के लिए, तो फिर केक कटिंग होगी यहाँ पे। और कोई भी ज़्यादा पार्टी शार्टी हम लोग नहीं किए थे, बस घर में ही किए थे, ज़्यादा घर नहीं किए थे। अंकुश के दो फ्रेंड आए हुए थे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हो गए रेडी, और अंकुश के फ्रेंड भी आए हुए हैं, और मेरी एक भाभी है वो भी आई है, और इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिसे मैं टीका लगा रही थी, तो सर को इधर से उधर इतना हिला रहे थे कि डबल डबल टीका लग जा रहा था, किसी का ऊपर तो किसी का नीचे हो जा रहा था। इसमें मैं बहुत हंसी आ रहा था, हमको भी कोई सर ही नहीं सही से रख रहे, तो इसी से मैं ना इतनी ज़ोर से हंसने लगी। मैं हंसती हूँ और सबको बोलती हूँ कि सब हंसो और खुश रहो, अपने ज़िंदगी में मस्त रहो। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी फ़ोटो शोटो ले लिया जाए, क्योंकि बर्थडे का तो वही है, फ़ोटो नहीं है खिंचाया तो बेकार है। सब ऐसा करो, आ जाना रे। हाँ लड़की मिल गई है। हाँ किधर आ गया किधर? ए कहाँ साइड में?
बोलो तो केक कटिंग हो गई है और बच्चे को यहाँ पे हम जितने बच्चे आए हैं सभी को हम केक दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चे इतने हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे कि परेशान ही कर डाले थे। तो आप लोग सोचते हैं इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सारे बच्चे हमारे घर ट्यूशन आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आज ना हम इन बच्चों को छुट्टी नहीं दिए थे, सारे बच्चों को बुलाए थे ताकि हमारे घर हल्ला शोर मचाए, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो किसी बच्चे को छुट्टी नहीं दिए थे, सारे बच्चे आए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज हम सारे बच्चों को इतना मस्ती कराएँ कि बहुत खूब ये लोग डांस किए हैं, शोर शराबा किए हैं और बहुत खुश हुए ये लोग, और सभी को अभी हम दे दिए हैं केक खाने के लिए, तो सभी बैठ के अभी शांत होकर के खा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों को मैं कर दूंगी छुट्टी, सारे बच्चे घर चले जाएंगे। और यहाँ पे अंकुश, अंकुश का दोस्त, तीनों जन खाना खा रहे थे, तो बहुत सारे इनके दोस्त हैं लेकिन दो ही दोस्त नज़दीक में थे, तो दो दोस्त ही आए हैं, तो सभी मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे इन लोगों का तो है कि एक जगह मिलेंगे कि मोबाइल देखना चालू हो जाता है, तो तीनों खाना खा रहे हैं। और अंश यहाँ पे बेड पे, देखिए ये बेड पे बैठ के खा रहे हैं, और ये खा रहे हैं केक, बिस्किट, मिक्सचर, यही सब ये खा रहे थे। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी खा रही हैं, ये हमारी पड़ोसन भाभी है और बहुत अच्छी है, हमारी सिस्टर जैसी है, बहुत हमें मानती है और मैं भी इसे बहुत मानती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना बर्थडे हो गई है और सभी लोग चले गए अपने घर, और काम तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, अब वो इतना सा बर्थडे जा कर के होने के बाद 10-11 बज चुके थे, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती वस्ती किए थे, तो अभी तो सारे तो बच्चे घर चले गए, मेरे बच्चे भी अपने अपने बेड पे जा चुके हैं, और अश्विन जी यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, और अश्विन जी अभी खाना नहीं खाए थे, ये लेट से खाते हैं, तो अभी ये खाना खाएंगे और फिर हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि बर्थडे था तो गंदा तो इतना हो गया है, अभी पूरा झाड़ू पोछा करना है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा, बाय।